हेलो बच्चों बच्चों ऑलमोस्ट स्टूडेंट का डाउट है कि विश्व भारती में जॉब लोकेशन कहाँ पे रहेगी और अभी भी डाउट क्लियर नहीं हुआ है। पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो सिर्फ मैंने यूनिवर्सिटी को एक मेल किया था, रिप्लाई नहीं आया, तो मुझे भी लगा कि विश्व भारती में जो जॉब लोकेशन रहेगी वो आपकी वेस्ट बंगाल में ही रहेगी। लेकिन जो ट्रूथ है और जहाँ तक मैंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी के ऊपर स्टडी किया है उसके सभी फैक्ट के बारे में बताऊंगा कि जॉब लोकेशन आपकी विश्व भारती में तो रहेगी रहेगी, लेकिन इससे अलग किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में भी हो सकती है। लेकिन हो सकता है स्टेट एक हो सकता है स्टेट आपका अलग हो, क्योंकि यहाँ पे जो है जब आपका नोटिफिकेशन आया था उड़िया लैंग्वेज या फिर वेस्ट बंगोली लैंग्वेज का कोई नोटिफिकेशन नहीं था कि एग्जाम में होगा होगा। अगर आपकी विश्व भारती में जॉब लोकेशन है तो बच्चों वहाँ पे लोकल लैंग्वेज का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उड़िया या फिर वेस्ट बंगाल के जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं स्टेट गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन, अगर ये स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है तो एग्जाम में उड़िया आनी ही चाहिए और वेस्ट बंगाल की जो बंगाली लैंग्वेज है वो आनी ही चाहिए। सो बच्चों सारे यहाँ पे फैक्ट वाइज आपको समझा दूंगा और आप अभी पढ़ते रहो, मॉक टेस्ट लगाते रहो, रिवीजन करते रहो, जब भी एग्जाम पास हो सकता है। एग्जाम की कट ऑफ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे 100 क्वेश्चन से भी करीबन यहाँ पे 80 क्वेश्चन के ऑलमोस्ट जाने वाली है, वो भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में वो क्यों जाएगी, उसके रीजन्स क्या है, सब कुछ बताऊंगा आपको। ठीक है बच्चों, देखो जो आपकी पोस्ट है टोटल जो विश्व भारती में पोस्ट निकल के आई है वो 709 पोस्ट निकल गया है। ठीक है, और अभी जो विश्व भारती का 2023 वाले आंकड़े जो बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ एकेडमिक स्टाफ है 466, मतलब 466 अभी टोटल विश्व भारती का स्टाफ है, टोटल स्टाफ समझ रहे हो 466, जिसमें बच्चों एलडीसी वाले भी है, मेडिकल वाले भी है, यूडीसी वाले भी है, इंजीनियर भी है, टेक्निकल भी है, प्रोफेसर भी है, और बच्चों लाइब्रेरी वाले भी है, और यहाँ पे सफाई वाले भी है, और बच्चों यहाँ पे खाना बनाने वाला भी है, कैंटीन वाले भी है, सारा टोटल स्टाफ जो एक यूनिवर्सिटी में स्टाफ होता है सब कुछ मिला के यहाँ पे 466 जो है यहाँ पे स्टाफ है अभी भी इस भारती में। ठीक है बच्चों, अब बच्चों एमटीएस की 405 वैकेंसीज आई है और एलडीसी की 99 वैकेंसी आई है, यूडीसी की 29 वैकेंसी आई है, यहाँ पे लेबोरेटरी अटेंडेंट की 45 और लाइब्रेरी असिस्टेंट की यहाँ पे जो है अटेंडेंट की 30 वैकेंसी आई है। अब बच्चों जरा सी कॉमन सेंस लगाओ, 466 वैकेंसीज में ये 405 जो वैकेंसी है ये एमटीएस को कैसे एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे टोटल स्टाफ तो ठीक है, एमटीएस को कैसे यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। ऐसा तो नहीं कि 405 के जाते हैं 405 को रिटायरमेंट दे देंगे, या फिर पहले 2 साल पहले 405 को रिटायरमेंट दे चुके हैं। अगर हालांकि ये जो वैकेंसी है ये बहुत साल बाद एनटी विश्व भारती में आई है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि भारतीय मतलब स्टाफ को रिटायरमेंट देने लग रही है जब यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा हुई तो इन्होंने निकाल दी। अब 5 साल से रिटायरमेंट देंगे तो कहीं ना कहीं कमी तो होगी ना, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, या फिर ऐसा है कि यहाँ पे जो है 5 साल आगे के एमटीएस पोस्ट भरने लग रहे, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे कमेंट जरूर करेंगे तो मैं इसलिए पहले ये क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब बच्चों एलडीसी का सोचो, मतलब ऑलमोस्ट 100 ही लगा लो यार, ऑलमोस्ट 100 वैकेंसी एलडीसी में आई है। अब किसी यूनिवर्सिटी में एलडीसी डिपार्टमेंट 100 नहीं होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट में एलडीसी एक होता है जो उसका लेखा जोखा सारा काम करता है। अब आप ही देखो, अगर किसी डिग्री कॉलेज या इंटर कॉलेज में जब आप जाओ, चलो इंटर कॉलेज से आपने पढ़ाई की होगी तो वहां पे एक या दो क्लर्क होगा, ज्यादा तो नहीं होगा, जो कि वो सारा डेटा बनाता हो, हालांकि उसका एक असिस्टेंट होगा जिसको एमटीएस वाले बोलते हैं, क्लर्क एक ही होगा। ठीक है, अब पूरे कॉलेज या यूनिवर्सिटी को एक क्लर्क मतलब थाम रहा है, यहाँ पे चलो डिपार्टमेंट 99 डिपार्टमेंट तो 99 यहाँ पे एलडीसी वाले नहीं जाएंगे, ये चीजें यहाँ पे समझ में आई। और एलडीसी से ऊपर होता है आपका यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क होता है, तो भाई इनके नीचे ये वाले काम करेंगे, इनके नीचे जो एमटीएस असिस्टेंट वाले काम करेंगे, जो कि एमटीएस वाले रहते हैं जो भी पेपर पेन इधर से उधर करते हैं, थोड़ा बहुत डाक का काम इधर से उधर करते हैं, अब ये ऐसे काम करेंगे। तो बच्चों इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, देखो हो सकता है आपका वेस्ट बंगाल में ही हो, लेकिन विश्व भारती यूनिवर्सिटी से अलग भी
आपकी जॉब लोकेशन होगी होगी और जॉब पोस्टिंग होगी होगी। विश्व भारती में क्या पता 10-15 यूनिवर्सिटी है, जो कि जैसे कि हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 10-15 यूनिवर्सिटी है, और जैसे ही 10-15 यूनिवर्सिटी में कहीं पर भी वैकेंसी जाएगी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपलोड होगी, क्योंकि उसके अंडर में वो 10-15 यहाँ पे जो है डिग्री कॉलेज है, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे भी हो सकता है विश्व भारती के अंडर में 10-15 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हो सकते हैं, हो सकता है कि उनके उनमें ही वैकेंसी जाए, ऐसा ही होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंडर में डिग्री कॉलेज ही होंगे, बाकी कुछ डिपार्टमेंट तो होने वाला है नहीं। तो बच्चों ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि अदर स्टेट में भी आपका ट्रांसफर हो। वो अदर स्टेट में क्यों होगा वो भी मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि बच्चों देखो विश्व भारती में अगर ये स्टेट की वैकेंसी जो थी, अगर ये स्टेट की वैकेंसी जो थी तो इसमें क्या मांगते, उड़िया मांगते, वेस्ट बंगोली लैंग्वेज मांगते, क्योंकि स्टेट का नोटिफिकेशन है तो वो मैंडेटरी है। स्टेट वाले हिंदी कम जानते हैं, वो इंग्लिश भी कम जानते हैं, हालांकि क्योंकि जब आपने कट ऑफ देखा होगा ना, जैसे कि किसी गवर्नमेंट पेपर की कट ऑफ लगती है तो वेस्ट बंगाल में कम कट ऑफ जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो पढ़ने का एरिया है या पढ़ने की जो वहाँ पे एटमोसफेयर है वो कम है कंपेयर टू द जैसे कि हमारा यूपी है, दिल्ली है, बिहार है, तो उनसे तो कम ही है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे अदर स्टेट में जा सकती है, क्योंकि उड़िया लैंग्वेज में नोटिफिकेशन नहीं आया, ये मेरी शॉर्ट कॉल है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि हाँ ट्रांसफर अदर स्टेट में होगा, लेकिन ये गारंटी है आपको विश्व भारती से अलग यूनिवर्सिटी मिलेगी जहाँ पे आपको काम करना है। डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू।